गाड़ी के शीशे से बाहर चीजें किसने फेंकी? लैला बेटा, मम्मी आज बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ, आप बहुत ही। हाय, मैं हूँ शेरिफ लेपरडॉर। शेरिफ लेपरडॉर, किसी ने अपनी गाड़ी से बाहर कचरा फेंका जिसकी वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्लीज जल्दी आइए और हमारी मदद कीजिए। क्या कहा? हम अभी आ रहे हैं। ला ला ला, शेरिफ लेपरडॉर, देखिए मेरी गाड़ी का क्या हाल हो गया है। देखिए मेरी फेवरेट कर्ली विग भी खराब हो गई है। ये सब उस पुलिस के छिलके की वजह से हुआ जो आपने फेंका था। क्या बोल रही हो? मैंने नहीं फेंका था। तो और कौन हो सकता है? आप ही हैं, मैं जानती हूँ, वो आप ही हैं। मैंने नहीं फेंका था, तो मैंने नहीं फेंका था। मैंने नहीं फेंका था, मैं जानती हूँ, वो आप ही थे। आप दोनों शांत हो जाइए। प्लीज बच्चे के सामने लड़ाई मत कीजिए। हम अच्छे से छानबीन करेंगे और पता लगाएंगे कि ये सब किसने किया है। इनकी गाड़ी में फनस की कोई बू नहीं है और ना ही किसी कचरे की और ना ही मुंह में। ओ ला ला, ये नहीं थे तो फिर कौन था? घबराइए मत, ऐसा कोई केस नहीं जिसे मैं सुलझा ना सकूं। एक और फनस का छिलका, यह आसपास देखो। मुझे एक और फनस का छिलका मिल गया। सड़क पर सारे फनस के छिलके पड़े हुए हैं। अगर हम फनस के छिलके का पीछा करते हैं तो फनस के छिलके फेंकने वाली गाड़ी जरूर इस तरफ गई होगी। चलो चलें। क्या हो रहा है? मुजरिम मिल गया। गाड़ी को रोको, मैं दोबारा दोहराता हूँ, गाड़ी को रोको अभी। मेटे फनस मुझे बहुत पसंद है। क्या? रुक जाओ, गाड़ी को रोको अभी। एक और पीस। उड़ने वाला पंजा। मिस्टर सेविद, गाड़ी के शीशे से बाहर चीजें फेंकना कानून के खिलाफ है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। शेरिफ लेपरडॉर का सेफ्टी टॉक। बच्चों,
गाड़ी के शीशे से बाहर कचरा कभी भी मत फेंकना। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और दूसरी गाड़ियां चलने वालों को लगकर ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। ये कानून के खिलाफ है। प्लीज याद रखो, रोड सेफ्टी हम सबके साथ ही शुरू होती है।